जट दे डोलियां च जान है जान तू विनर। 7 दिन हो गए ढंग से वर्कआउट नहीं किया। जट दे डोलियां च जान है। 3 महीने के हिसाब से लाई हूँ। पाल तूने चेंज करनी हुई है। हाँ। ये रे कालू भैया फुल डांस किया था मैंने। इसमें कितनी मोटी लग रही है पाल तू। छोरा हरियाणा का, छोरा हरियाणा का भाई देख मेरा टोरा। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भैया निकल चुके हैं जिम में। हमारे साथ है सुमेर भाई। सुमेर भाई बहुत ही खतरनाक योद्धा हैं जिम के, तो आज थोड़ा बहुत सीखेंगे इनसे भी कुछ। क्या सिखाने वाले फिर आज? मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ कार्डियो, कुछ ट्रेडमिल पे। आज करेंगे मिक्स वर्कआउट, मजेदार वाला। तो फाइनली पहुंच गए भैया जिम, और आज करने वाले मिक्स वर्कआउट। साथ में बलराज भी है, और ये लड़का करता तो कुछ नहीं है पर ट्रैक सूट पहन गया है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल है शूट। कर ये है कि मैंने कई दिन से वर्कआउट छोड़ा, अगर कर लिया ना तो कल अरमान भाई कहेंगे ऐसे चल मैं चलूंगा ऐसे। बहुत दिन से चीट हो रहा था खाने पीने में, दोबारा से शुरू कर दिया कहानी। ट्रैक का वर्कआउट कर रहे हैं। जट दे डोलियां च जान है जान। तो सुमेर भाई से पूछ रहे थे भैया वर्कआउट कैसे चल रहा है। लाइट वेट विद रेप ज्यादा और विद पोजीशन बेस्ट वर्कआउट अरमान भाई। जट दे डोलियां च जान है। सामने देखो फिर जट दे डोलियां च जान है जान। आज ये जान निकालेंगे हम। 20 kg 10 rep जट दे डोलियां च जान है। पांच रैप लगाएंगे खुद। पांच खुद। एक एक और जट दे डोलियां च तो इस जिम से आने के बाद सो गया था, अब जा रहा हूँ नहाने। नहा के निकलता हूँ दोबारा जिम के लिए, क्योंकि अब हम शूट कर रहे हैं 24 तारीख को, और गाना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो चीज़ें ना मैनेज नहीं हो पा रही। गाने में बहुत सारी चीज़ें, तो दिखाऊंगा मैं उस दिन क्या क्या हमने किया है। गाने में ले रहा हूँ तेरे को परसों। कल तो छुट्टी। परसों की बात कर रहा हूँ, परसों। कल नहीं बोला, परसों ले रहा हूँ। पापा देखो मैंने इतना पानी पी लिया आज। वेरी गुड। मैंने ना मैम को ना गिफ्ट करा था कुछ बैग सुबह, तो जब आप नहीं थे, जब जिम गए थे, तो ना डैड चाचू ने ना मेरे लिए ना रेड वाली गन लिया, पिस्टल। बड़ी खुश है फिर ये असली वाली है। खुश हो रे, खुश है। चीकू ना गाइस मतलब गन का इतना ज्यादा शौक है, आप देखते हैं हर टाइम कहीं भी जाए गन लेके आता है लड़का, पता नहीं क्यों लेके आता है। पापा मेरा फेवरेट है। तो जिम क्या करेगा तू मेरे साथ? पापा कर लूंगा जिम। तो इसके नीचे 3 और पहन रखे तूने? 3 नहीं पहन रखे, एक ये एक है। तो 3 होगी ना? हाँ 3 है। तो हवा गाइस बहुत ही जबरदस्त चल रही है चीकू है ना। पापा देखो चीकू जा रहा है, चीकू उंगली से मेरा बैग उठा रहा है ना। चीकू ताकत आ गई तेरे अंदर बेटा। ताकत तो पहले से ही है। मैं जब मेरा बैग बहुत भारी होता है ना, हाँ, जब तू उठा ले तो ऐसे। वेरी गुड। कितनी देर लग सकता है जी वैसे? देख लेना लिफ्ट तक नीचे तक। हाँ जी चलो देख लेते, काउंटिंग करते हैं। लिफ्ट जा रही है 12 पे। चीकू ने बैग ले रखा है उंगली पे। चीकू खाली तो नहीं बैग? नहीं मामा। दम है? हाँ जी है। तो भैया लिफ्ट पहुँचने वाली 8 पे। वेरी गुड चीकू, वेरी गुड। मैं हाथ हेल्प दूँ? नहीं नहीं थोड़ी सी दे देता हूँ। 4 पे। 2 पे। 4। चीकू विनर। तू ताकतवर हो गया इतना ज्यादा। ओहो हवा चल रही है। क्या करूँ मैं? तो मैं सोच रहा हूँ पहले ना बात कर लेते हैं, चीकू एडमिशन करवा देते हैं, थोड़ा सा मतलब कार्डियो वार्डियो कर लिया करेगा। मैम इसका लड़के का एडमिशन हो जाएगा? नहीं होगा इनका? नहीं। अरे वाह चीकू, क्या मतलब रीजन क्या है बता दो। सर बच्चों का एडमिशन नहीं होता है मेरे पास, में इंजरी के चांसेस होते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए वो कुछ भी यूज़ नहीं करता। चीकू इंजरी के चांस होते हैं, जब 18 प्लस हो जाओगे ना तब होगा। हम थोड़ा सा ना कार्डियो शुरू करेंगे, और थोड़ा सा भैया मिक्स ट्रेनिंग, और
पावर थोड़ी हल्की हो चुकी है, दो चार दिन यानी कि 7 दिन हो गए ढंग से वर्कआउट नहीं किया। शुरू कर रखी देखो जिंदगी में ना उतार चढ़ाव चल लगे रहते, वर्कआउट करना मत छोड़ो, मैंने छोड़ दिया था 5 दिन। हाँ, और अब आए हैं महाशय जी वापिस, आज इनका टेस्ट है, आइए शुरू करते हैं। तो आज थोड़ी पावर कम है पर जट के डोले च जान है। अब हम करने जा रहे हैं पैक फ्लाई का 4 सेट। जट के डोले च जान है। हमारी लड़की की स्ट्रेंथ ना हाई लेवल है, फुल चेक कर लो, 7.5 के डंबल हैं और विद मूवमेंट के साथ। सुस्ती जरूर है पर हम बना गए थे मन, पीछे से जो देख रहे ना ये आदमी, इसकी वजह से आना पड़ा। रोज फोन आ रहे थे, कहाँ हूँ भाई, शक्ल देखो शक्ल। अब हम कर रहे हैं चेस्ट प्रेस विद डंबल्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भैया शादी वादी है किसी की या जागरण है, इतना राशन कैसे ले आए आप? नहीं, वहाँ से जहाँ से हम सामान लेके आते ना, वहाँ से दुकानदार भी सामान लेके जाता है अपनी दुकान के लिए, उससे ज्यादा सामान हमारा है। कितने साल गए? ये 3 महीने के हिसाब से लाई हूँ, क्योंकि अब हम जाना हमारा मुश्किल हो जाएगा, लड़कों को लिस्ट बना के भी भेजूंगे ना तभी आधा सामान भूल जाएंगे, इसलिए मैं सारा सामान ले। तो गाइस आप देख सकते हो ऐसी फिया मिली है मुझे, पूरा घर संभालती हैं, मैं नलायकों की तरह घूमता रहता हूँ रात दिन, है ना भाई? आप अपने काम करते हो ना गुड्डू, आपके काम भी तो कितने हो जाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हो, जिम जाते हो, फिर शूट के लिए मतलब गाने के लिए जाते हो रिकॉर्डिंग के लिए, अब कल सुबह सुबह आपको शूट के लिए निकलना है, तो आपको इतना स्ट्रेस थोड़ी दे सकते हैं इतना कर रहे हो। सब्जी वाला नहीं देना। और लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आपके वो उसके लिए, वो जो गांट बनी है आपको यहाँ पे, उसके लिए इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि भैया आप ना ऑपरेशन मत कराओ, एक दो जगह पहले पता कर लो, और होम्योपैथिक दवाई से करो आप कोशिश, उससे हो जाएगा, आपको ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। और बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे, आपकी जो बर्थडे वाली एल्बम नहीं थी पुरानी वाली, वो देखनी है सबको, दिखा दे। हाँ, मैं निकलवाती हूँ अभी। तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हनुमान जी की फर्स्ट मतलब बर्थडे एल्बम के लिए, तो मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है 2014 में इनका बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया था, एक हमारे घर के पास ना फार्म हाउस इन द सेंस मतलब नॉर्मली था, कोई इतना हाई फाई नहीं था, वहाँ पे सेलिब्रेट किया था हमने। मैं हूँ उस टाइम में बहुत ठीक ठाक थी, ना पतली थी ना मोटी थी, पाल तूने चेन पहनी हुई है ऐसी ना सेम सेम, और जैसे अभी पहनी है पहनी। ये जो नेल्स है ना, मैंने लाइफ में पहली बार नेल्स कराए थे। अच्छा, नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन। तो ये सब मेरी और चीकू के पापा की फोटोज हैं, इस टाइम तक चीकू नहीं हुआ था गाइस, ये हमारी दादी माँ है। कितनी कूल लग रही है चीकू के पापा की, उन्होंने चेन पहनी हुई है। हाँ, उनको चेन पहनाई थी, उनको कान के वो पहनाए थे, और ये थी लोकेशन। तो गाइज ये है विक्की भैया, ये सब मतलब पियर्स इनको हमेशा से रखने साथ में अच्छे लगते थे, तो पार्टी में बुलाए थे, और ये हमारे बैंक वाले एक्सिस बैंक के बंदे थे, ये इनके दोस्त थे, ये टिक्का भैया है, ये मेरी फ्रेंड सबसे बेस्ट फ्रेंड नेहा जो शादी में भी आई थी, ये समर भैया है, ये भी हमारे एक्सिस बैंक के बंदे थे, और ये बाकी लड़के जो थे ये हमारे पास काम करते थे। चिकू नो बेटा, ये है इनके मामा के लड़के, चिकू के पापा के मामा के लड़के, इनके बारे में जानती नहीं हूँ। ये कालू भैया, आपको कालू भैया बिल्कुल पहचान में नहीं आएंगे गाइस, ये कालू भैया है। कितने गोरे लग रहे भैया, गोरे मोटे बहुत, पहले नशे नहीं करते थे ना, नशे करने ये रे कालू भैया कितने सुंदर लग रहे भैया, बहुत सुंदर सुंदर थे कालू भैया पहले, बहुत सुंदर लग रहे, तो उन्होंने नशे कर करके अपनी लाइफ खराब कर दी। ये रे पालतू, ड्रेस चेंज कर ली थी, मैंने ड्रेस चेंज करी थी, मैंने दो बार पहने थे कपड़े। अच्छा, कितनी पतली लग रही है पालतू, ये ड्रेस में बस आज भी पड़ी है, इस पे गाउन मैच कर रहा है नेल्स पे। तो ये सारे हमारे मतलब जहाँ चंद्र विहार में रहते थे ना वहाँ पे नेबर्स थे सारे, ये मेरे सबसे बड़े जीजू है गाइस, आज तक आप लोगों ने देखे नहीं होंगे कभी, रियल सबसे जीजू बड़े है। जीजू है ये, उनसे छोटे जीजू है, मतलब फैमिली से बात नहीं होती थी पर जीजू मेरे पहले बात करते थे, वो मेरे बर्थडे पे भी आए थे, इनके बर्थडे पे भी आए थे। फिर ये इनको हम माँ बोलते हैं, चीकू के पापा ने इनको माँ बना रखा है, ये भी दिल्ली में रहती हैं, और ये चीकू के पापा की फ्रेंड थी और उनके हस्बैंड। फिर ये हमारी दादी माँ, ये कितनी अच्छी है, ये टिक्का भैया पहचान में नहीं आ रहे, टिक्का भैया बच्चे जैसे लग रहे हैं। हाँ, वो छोटे लग रहे हैं। ये तावड़े, हाँ मैं जानती हूँ, पर तावड़े इनका नाम कुछ और है, गगनदीप है, पर इनको तावड़े के नाम से हम जानते हैं। इनका बर्थडे केक बनवाया था मैंने,
बदमाश कंपनी। ये देखो यहाँ पे केक काट रहे हैं पापा बचा। ये अभिषेक है, ये मेरा राखी ब्रदर है, मतलब इसको मैंने जब तक मैं दिल्ली में थी ना तब तक मैंने इनको राखी बांधी है। ये मेरा राखी ब्रदर अभिषेक। फिर गाइस ये तो यहाँ पे सब केक खिलाने की वो चल रही है। ये विशाल है, इनका हिसार का दोस्त है, ये उनकी वाइफ है। तो ये तो गिफ्ट दे दिया इनको। मैंने कहा हाँ, मैंने इनको ब्रेसलेट दिया था बर्थडे गिफ्ट। अच्छा अच्छा आज भी बस पड़ा है। तो नहीं बेटा, जब बहुत हमारा खराब टाइम आ गया था ना तो वो ब्रेसलेट और गोल्ड हमें बेचना पड़ा। बेटा गोल्ड बेचने के लिए होता है, जब बुरा टाइम आता है ना तो गोल्ड ही काम। ये वो जिम वाले भैया गोलू, मेरे को पहचान में नहीं आ रही, पर मैं मिली हूँ क्या? जिम वाले भैया जिनकी वाइफ से तू मिली है? अच्छा याद नहीं आ रहा है। अरे जिनकी दिल्ली में खुशबू विकासपुरी में। हाँ अच्छा, मैंने फिर कपड़े चेंज कर लिए तीसरी बार और तब भी तूने क्या कर रही तू? नहीं गुड्डू नहीं, डांस करती थी मैं। अच्छा फुल डांस किया था मैंने। आज तक मैं पहली बार मतलब पहली या दूसरी बार मैं रेडी होके आई थी। और ये जो वॉच थी ना गेस्ट की, हाँ। ये इन्होंने बहन बना रखी थी, ये शिवानी। अच्छा गोलू इसमें देख चुकी पापा को डांस, हाँ। कर रहे थे। अच्छा इसमें तो मोटे मोटे लग रहे हैं, इसमें कितने हेल्दी लग रहे हैं ना। हाँ। और गाइस 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 ये सब हम बच्चे पार्टी नाच, इन्होंने चेंज नहीं करे कपड़े। चिकू मैं थोड़ी सी ज्यादा वो थी ना फैशनेबल थी मैं पहले बहुत ज्यादा। ये शिवानी का भाई था, ये शिवानी की मासी थी। बाकी आप तो पहचान नहीं पाओगे, पर आप लोगों ने कहा था एल्बम अच्छे से दिखा देना, तो मैं आपको अच्छे से एल्बम दिखा रही हूँ। अच्छा संदीप जी भी लिखवाया था? हाँ संदीप जी लिखवाया था। ये लास्ट में तुम आके था खाना खा रही? लास्ट में हम सब खाना खा। और इस ये इनको स्टार्टिंग से बचपन मतलब बचपन से बोलना पसंद है। इनको मतलब स्टार्ट ये हमारी घर की फोटो है गाइस। इसमें कितनी मोटी लग रही है, तू मोटी थी मैं उस टाइम। इसमें ये करवा चौथ की है मेरी, ये कैसी करवा चौथ की है? बंदरी सी। देखो लो जो तूने रिंग पहनी हुई ना सेम। अच्छा जो हमारे पास है जो तो अभी पहनी हुई है? नहीं मैंने नहीं पहनी, निकाल दी ना। तो बस गाइज अब चीकू कर रहा है यहाँ पे अपना डिनर, और डिनर करने के बाद हम जा रहे हैं सोने। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारा गाना नहीं देखा है अभी तक, जल्दी जाके गाना देख लीजिए कुछ रातें, ठीक है, नंबर वन रिकॉर्ड्स पे। और गाने का कमेंट भी करना, गाना कैसा लगा। बाय बाय गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।